हमारे संघ को लेकर हमारी कुछ कन्विक्शंस हैं जिसके आधार पर संघ की सोच बनी है। उसमें पहली बात ऐसी है, वन नेशन वन पीपल वन संस्कृति। मैं कल्चर जानबूझ के शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, कल्चर वो बहुत छोटी है। ये जो एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति, ये हमारी कन्विक्शन है, ये हमारा नारा नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर भाषा मत पंथ, हर प्रकार के रहन सहन खान पान वाला व्यक्ति इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति। ये जो सारी हमारी सोच बनती है, जो हमने काम किया है, उसके मूल में ये है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की और हमारी, हमारा संघ का राष्ट्र को लेकर जो हमारी कल्पना है, ये जो वेस्ट में राष्ट्र की कल्पना शुरू हुई, जो सिटी स्टेट से प्रारंभ हुई, एम्पायर्स में आई, थियोक्रेटिक स्टेट की ओर बढ़ी, थियोक्रेटिक स्टेट से वो धीरे धीरे करके आज का मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर आया और अनेक प्रकार की उसके प्रकार बने, हमारा राष्ट्र वैसा नहीं। हमारी राष्ट्र की कल्पना हमारी एक हजारों साल की एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं, ये उसकी एक कल्पना है। हमारा राष्ट्र का जीवन एक प्रवाह है जिसके मूल के अंदर एक दर्शन है। सब में हमने एक तत्व को देखा, जब सब में एक है तो कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं हो सकता। सब में एक है तो विविधता दिखती है, वो विविधता नहीं है, उस विविधता के पीछे की उस एकत्व को देखने की आवश्यकता है। जीवन का लक्ष्य ये सुख की प्राप्ति है। ये सुख जो है ये भौतिक बातों में नहीं है, आत्मा का सुख यही सच्चा सुख है, और वो प्राप्त करना है तो वो भोग से मिलने वाला नहीं है। अंततो गत्वा जीवन को एक अध्यात्म के आधार के ऊपर जीवन की देखने की दृष्टि, ये जो एक हमारा दर्शन था, उस दर्शन के आधार के ऊपर हमारे मूल्य बने, सहिष्णुता, सत्य, आत्मीयतापूर्ण दृष्टि, सबके साथ लेकर चलने के पीछे का जो भाव है वो, उसके अंदर दया करुणा, और ये मूल्यों के आधार के ऊपर हमारी संस्कृति बनी। प्राणी मात्र का विचार करना, अतिथि सत्कार करना, ये जो हमारे व्यवहार में छोटी 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 बातें दिखाई देती हैं, ये उसके पीछे का अपना एक विचार है। सारे देश के अंदर हमने विविधता को कभी भेद नहीं माना, उसको भेद का कारण नहीं माना, हमने कभी एक वननेस की कल्पना नहीं की। हमने सारे देश के अंदर इस संस्कृति के आधार के ऊपर ये विविधता जो है, उस विविधता के पीछे के एकत्व को देखा, इसलिए भारत कैसा बन गया। हमारे यहाँ भाषाएं अनेक थी, भाव एक है, हर भाषा के अंदर एक ही भाव के आपको गीत मिलेंगे, आख्यान मिलेंगे, सब प्रकार के मिलेंगे। देश के अंदर कोई भी महापुरुष कहीं भी जन्मा, उसने विचार पूरे राष्ट्र का किया, महापुरुष वो पूरे देश का हो गया। वो संत नामदेव महाराष्ट्र से पंजाब में आए तो पंजाब के हो गए, शंकराचार्य पूरे देश के बन गए, मध्वाचार्य पूरे देश के हो गए, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा तक पूरे देश की हो गई, गौतम बुद्ध पूरे देश के हो गए, वो एक मत पंथ के नहीं रहे। हमारे यहां मत पंथ अनेक हो सकते हैं, लेकिन सब मत पंथों के अंदर उसके पीछे का जो मूल्य है वो सबका समान था, शील करुणा, वो जो मूल बातें थी वो सब एक रही। ये जो भारत के जीवन की जो विशेषता है, इसको हमने इस देश के राष्ट्र जीवन का आधार माना है, इसलिए हमको कुछ भेद लगता नहीं है।